कोसमुई पहुंचने के लिए पहले आपको 2.5 घंटे कार में ट्रेवल करना पड़ेगा, देन उसके बाद 1 घंटा आपको फेरी में ट्रेवल करना पड़ेगा। इज आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर दैट इफ यू आर ट्रेवलिंग इन फेरी, तो कई बार फेरी में आपको सी सिकनेस भी हो सकती है, तो जिसकी वजह से आपका जो 1 आवर का जो ट्रैवल है वो थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद बेबीज, तो बेबीज को भी सी सिकनेस हो सकती है, तो जिसकी वजह से वो इरीटेट या फिर क्रैंकी हो जाते हैं। जब मैंने फेरी में ट्रैवल किया था तो मेरी बेबी बहुत ज़्यादा इरीटेट और क्रैंकी हो गई थी, तो उसने जो 1 आवर का जो ट्रैवल था वो थोड़ा मतलब मुश्किल हो गया था मेरे लिए वो टाइम निकालना। हर एक की बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है, तो मे बी आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। तो गाइज, इफ़ यू आर वेजिटेरियन एंड यू आर ट्रैवलिंग विद बेबीज और आप फेरी में ट्रैवल करने जा रहे हो, तो आप अपने साथ कुछ इटेबल्स साथ में ज़रूर कैरी कीजिए, बिकॉज फेरी में आपको ऑलमोस्ट सारा नॉनवेज ही मिलेगा। जो बेबीज़ का जो माइंड है वो डाइवर्ट करके रख सकते हो उनको कुछ खाने की चीज़ें दे के, तो आप अपने साथ ज़रूर वेजिटेरियन इटेबल्स कैरी कीजिए। इसके बाद आपको पेयर से होटल पहुंचने में आपको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लग जाएंगे। तो गाइस, जैसे ही आप कोसमुई पहुंचोगे, जो आपकी जो सारी थकावट है, जो आपको इतना लंबा सफर रहा है, वो सारा भूल जाओगे, बिकॉज यू आर इन कोसमुई विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस एंड इट इज़ नॉट लेस देन हेवन। तो गाइस, कोसमुई होटल पहुंचते आपको 4 या 5 बज जाएंगे, तो होटल में आप लोग रेस्ट कीजिए, इंजॉय कीजिए, देन नाइट टाइम आप जो कोसमुई की जो ज्विंग बीच पे मार्केट है वहाँ पे जाकर लोकल फूड इंजॉय कर सकते हो इन लोकल रेस्टोरेंट्स। वहाँ पर आपको कैबरे शोज भी देखने को मिलेंगे जिसकी टिकट प्राइस 250 बाट के अराउंड रहती है। तो गाइज, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो कोसमुई है वो फुल मून नाइट पार्टीज़ के लिए फेमस है, तो अगर आप उन दिनों में कोसमुई में स्टे कर रहे हो तो आप फुल मून नाइट पार्टीज़ को भी इंजॉय कर सकते हो। इफ़ यू वांट सम एडवेंचर इन योर लाइफ एंड यू आर एडवेंचर पर्सन, तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग माई व्यू पॉइंट ज़रूर विजिट कीजिए, जहाँ पे 800 पार्ट के अराउंड आपको कॉस्ट पड़ेगी इंक्लूडिंग जिप लाइनिंग एंड ट्रॉली विच विल टेक यू फ्रॉम हाफ वे टू टॉप। तो गाइज, जिप लाइनिंग इज सच एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। पहले आपको थोड़ा डर लगेगा, बट वंस यू कंप्लीटेड यू फील प्राउड ऑन योर सेल्फ दैट यस यू हैव कंप्लीटेड इट। जब आप माई व्यू पॉइंट के बिल्कुल ऊपर टॉप पे पहुंचोगे तो आपको पूरा कोसमुई दिखाई देगा। तो नेक्स्ट साइटसीइंग प्लेस दैट यू कैन विजिट इज लमाई ओवरलैप स्टोन, जहां पे जो एंट्री फी है वो जस्ट 50 बाहट है, बट इसके साथ आपको पार्किंग फी एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। अपनी कार पार्क करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 40 बाहट पे करना पड़ेगा, एंड इफ यू वॉन्ट टू पार्क बाइक देन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 20 बाट। Then guys, third sightseeing place that you can cover is Nam Wong Waterfalls, जहाँ पे entry fee just 30 baht है and parking के लिए आपको extra pay करना पड़ेगा। For car you have to pay 40 baht and for bike you have to pay extra 20 baht. तो गाइस, फोर साइटसीइंग प्लेस दैट यू कैन कवर इन कोसमुई इज बिग हुदा, जो आप डे टाइम कवर कर सकते हो। गाइस, जो ये सारी साइटसीइंग प्लेसेस हैं, अट्रैक्शंस हैं, तो इनको कवर करने के लिए आप फुल डे के लिए कार या फिर टुक टुक हायर कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट आपको 2500 to 3000 baht के अराउंड पड़ेगी। ऑल्सो हायर स्कूटी और बाइक, जिसकी कॉस्ट आपको 200 per day के हिसाब से पड़ेगी। गाइस, जो कोसमुई है इट्स अ वेरी स्मॉल आइलैंड, तो अनलाइक अदर प्लेसेस, तो आपको वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड देखने को नहीं मिलेगा, बट जो कोसमुई में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा नाइस हैं, दे ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस। 8 डे ऑफ कोसमुई, आई विल सजेस्ट कि आप इवनिंग में ही रिजॉर्ट से चेकआउट कीजिए, तो वहाँ के रिजॉर्ट्स हैं वो कोसमुई की ब्यूटी को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, तो आप रिजॉर्ट में रह के आप जितनी ब्यूटी इंजॉय कर सकते उतना कीजिए, जितना रेस्ट करना चाहते उतना कीजिए, अपनी लाइफ का फुल मजा लीजिए। जब हम कोसमुई में गए थे तो हमने 2 नाइट्स के लिए स्टे किया था, तो आई विल सजेस्ट कि आप 3 नाइट्स के लिए स्टे कीजिए, मींस आप 1 डे एक्स्ट्रा स्टे कीजिए, ताकि आप वहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है, वहाँ की जो स्पा ट्रीटमेंट्स है, वो बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाओ। देन इन इवनिंग यू टुक अ फ्लाइट फ्रॉम कोसमुई एयरपोर्ट एंड लैंड इन द बिजिएस्ट सिटी ऑफ थाईलैंड, दैट इज बैंकॉक। तो गाइस, बैंकॉक में आई प्रेफर कि आप जो होटल है वो एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में लीजिए। तो होटल में रेस्ट करने के बाद नाइट टाइम आप एशियाटिक मार्केट विजिट कर सकते हो, जहाँ पर आपको एंट्री है वो फ्री मिलेगी। वहाँ पे आपको जायंट व्हील भी मिलेगा, जिसमें आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो, हॉरर शो देख सकते हो अगर आप बेबीज के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ पे स्विंग्स में वो एंजॉय कर सकते हैं। देन इसके अलावा बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, खुद के लिए, एंड यू कैन एंजॉय फूड देयर। वहाँ पे आप पिक्स भी क्लिक करवा सकते हो फॉर क्रिएटिंग मेमोरीज।
तो गाइस सेकंड डे पे अगर आप बैंकॉक में शॉपिंग करना चाहते हो तो आप सेंट्रल मॉल विजिट कर सकते हो, वेयर यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम एलवी टू बर्बरी, फ्रॉम एनी एप्पल गैजेट्स टू बॉस. सो दिस मॉल इज वन प्लेस फॉर एवरीथिंग. ये भी माना है कि जो शॉपिंग है वो हमेशा ट्रिप के लास्ट में ही करनी चाहिए. ट्रिप में जो हमने शॉपिंग जिसकी हमने शॉपिंग की है उसको कैरी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. नेक्स्ट साइटसीइंग प्लेस दैट यू कैन कवर इन बैंकॉक इज ग्रैंड पैलेस, जहां पे आपको 500 बाट पर पर्सन के अराउंड कॉस्ट पड़ेगी. तो गाइस ग्रैंड पैलेस में आपको फुल पजामाज ही अलाउड हैं, आपको वहां पे शॉर्ट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. अगर आप बाय चांस या फिर गलती से शॉर्ट्स पहन के भी चले जाते हो देन यू विल बी चार्ज्ड गुड टू बाय स्पेशल थाई पजामाज. So guys, I also suggest that if you're traveling with babies, then you can drop the plan to visit the Grand Palace, because Grand Palace में आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तो babies थोड़ा tired feel करते हैं and they feel very uncomfortable. तो guys, in the evening you can visit Manhattan Tower, where you can do skywalk on Bangkok's one of the highest points. So 310 meter की height पे आप glass floor पे walk कर रहे हो, so this is very exciting and very enjoyable. Guys, थोड़ा शुरुआत में डर लगता है, तो हम सब ने बहुत enjoy किया था जब हम वहां पर गए थे, खास करके मेरी बेटी ने. मुझे लगा था कि शायद वो डर जाएगी इतनी हाइट पे नीचे देख के, बट वो डरी नहीं, उसने अपना खुद बहुत अच्छे से एंजॉय किया. रात में यू कैन गो फॉर रिवर क्रूज, वेयर यू कैन हैव डिनर, एंजॉय डांस व्हाइल क्रूजिंग इन बिटवीन द बैंकॉक. एज अ फोर्थ डे ऑफ बैंकॉक आई विल प्रेफर कि आप फ्लोटिंग मार्केट विजिट कीजिए, जहाँ पर आपको 400 बाट पर पर्सन के अराउंड कॉस्ट पड़ेगी. फ्लोटिंग मार्केट में आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो एंड यू कैन एंजॉय फूड ऑन स्मॉल बोट इन स्मॉल रिवर. तो गाइस नेक्स्ट साइटसीइंग प्लेस दैट यू कैन कवर इन बैंकॉक इज सफारी वर्ल्ड. तो आई थिंक इफ यू आर ट्रेवलिंग विद बेबीज यू मस्ट विजिट दिस प्लेस. तो गाइस सफारी वर्ल्ड में आपको 1000 से 1800 बाट तक कॉस्ट पड़ सकती है, डिपेंडिंग कि आप कौन सा पैकेज ले रहे हो. तो गाइस सफारी वर्ल्ड में आपको बहुत सारे पार्क्स देखने को मिलेंगे, लाइक सफारी पार्क, मरीन पार्क, और आपको टाइगर सफारी, डॉल्फिन शोज, ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा. तो वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा इंजॉय करेंगे, तो आई थिंक आप बच्चों के साथ वहां पर जरूर विजिट कीजिए. तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल मीशो ट्रैवल एक्सप्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए. अगर आपकी कोई डाउट्स या फिर इंक्वायरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए. जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है, अपनी मेमोरीज क्रिएट की हैं, तो आप भी मेरे साथ अपनी जो मेमोरीज है वो भी शेयर कर सकते हो. तो गाइज सी यू एंड आई विल कम बैक विद मैनी मोर वीडियोज़.